हरे कृष्ण चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 33 ध्यान से देखिए त इमे वस्तिता अभी जो व के ऊपर कॉमा है इसके साथ पढ़ेंगे त इमे वस्तिता मतलब इमे वस्तिता इमे को थोड़ा खींच के फिर वस्तिता पढ़ेंगे युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा अब देखो जब भी जैसे ये है ना दो लाइनें होती हैं वो बनकर एक लाइन बनी है ना जैसे तो जो बीच में एस आधा आता है ना जैसे यहाँ पर आया है आचार्य पितरः पुत्रास तो पुत्रास लिखा हुआ है ना तो वो एस जो है वो साइलेंट हो जाता है बीच का एस जो होता है वो साइलेंट हो जाता है उसकी बदली में यूँ समझो एस की बदली में दो डॉट होते हैं अगर वो जैसे ये जो यहाँ पर चार लाइनों में एक श्लोक लिखा हुआ है असल में दो लाइनों का श्लोक है एक लाइन के बाद थोड़ा सा स्टॉप और फिर दूसरी लाइन इसके साथ ज्वाइन करेंगे कैसे त इमे वस्थिता युद्धे यहाँ पर थोड़ा स्टॉप है प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च फिर एक लाइन कंप्लीट होती है अब जो सेकेंड लाइन है आचार्य पितरः पुत्रास तो ये जो असल में ये जो थर्ड लाइन है वो सेकेंड लाइन की फर्स्ट लाइन है और वहाँ पर एस आधा आया है तो वो साइलेंट हो जाता है आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह ठीक है तथैव च पितामह शुरू से त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः